हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पर्यावरण शिक्षा के मॉडल पेपर में। आज के मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, यानी जो वायरस है उसके संक्रमण से कौन सा रोग होता है निम्न में से। पहला टाइफाइड, दूसरा कॉलरा, तीसरा जुकाम या फोर्थ ऑप्शन है मलेरिया। तो जिसका ऑप्शन नंबर थर्ड है जुकाम, वो वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहला ऑप्शन तापमान, दूसरा आर्द्रता, तीसरा पवन और चौथा है वृष्टि। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा कृषि को प्रभावित करती है वह करती है वृष्टि, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो वृष्टि है उसको बोलते हैं वर्षा, यानी वर्षा कृषि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। वृष्टि किसका नाम है? वर्षा का ही दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। तो जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, तापमंडल है, मध्यमंडल है, क्षोभ मंडल है या आयन मंडल है। तो जो सबसे ठंडी परत है वो कौन सी है भाई? वो है मध्यमंडल, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बी, मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड है, सेकंड ऑप्शन ऑक्सीजन है, थर्ड ऑप्शन ऑर्गन, फोर्थ ऑप्शन मीथेन। तो जो सबसे ग्रीन हाउस गैस है इनमें से वह कौन सी है? वह है ऑप्शन नंबर फोर्थ, मीथेन। बाकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर्थ मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में, सेकंड ऑप्शन 1982, थर्ड ऑप्शन 1992 और फोर्थ ऑप्शन 1996। जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1973 में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मीडियन यामोत्तर पर खींची है। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, सेकंड ऑप्शन कर्क रेखा, थर्ड ऑप्शन विषुवत रेखा, फोर्थ ऑप्शन प्रध्यान यामोत्तर रेखा है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको कहते हैं 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर जो खींची है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क है? गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क, पहला ऑप्शन गुजरात, सेकंड ऑप्शन तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन अंडमान द्वीप और फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो जो गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क है वह कहाँ स्थित है? वह है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है। पहला ऑप्शन है केरल में, सेकंड ऑप्शन राजस्थान में, थर्ड ऑप्शन उत्तराखंड में, फोर्थ ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर में। तो जो फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर, वह कहाँ है? उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के चमोली जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड इसका ठीक है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन चींटी, सेकंड ऑप्शन केंचुआ, थर्ड ऑप्शन मधुमक्खी, फोर्थ ऑप्शन है तितली। जो किसान का मित्र होता है वह कौन होता है भाई? केंचुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? पहला ऑप्शन गुजरात, सेकंड ऑप्शन गोवा, थर्ड ऑप्शन राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। जो राजस्थान राज्य की सीमा है वो किसी समुद्री सीमा से नहीं मिलती, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? पहला ऑप्शन है ATP, सेकंड ऑप्शन STP, थर्ड ऑप्शन BOD, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है WPL। जो नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है वो की जाती है BOD से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका प्रमुख स्रोत है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन ब्रोमीन, थर्ड ऑप्शन आयोडीन, फोर्थ ऑप्शन है लोहा। जो समुद्री शैवाल है वे किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सेक लाइकेन है परजीवी, सेकंड ऑप्शन रासायनिक सुपोषी, थर्ड ऑप्शन अपघटक, फोर्थ ऑप्शन है सहजीवी। जो लाइकेन होते हैं वे होते हैं सहजीवी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन वाहनों में, सेकंड ऑप्शन उद्योगों में, थर्ड ऑप्शन खाना बनाने में, फोर्थ ऑप्शन वाहनों एवं उद्योगों में। जो सीएनजी यूज होती है वह होती है भाई वाहनों एवं उद्योगों दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पहला ऑप्शन व्याख्यान, सेकंड ऑप्शन क्षेत्रीय भ्रमण, थर्ड ऑप्शन समूह वार्तालाप और फोर्थ ऑप्शन है अध्ययन। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन पहला है लो पेड गेम, सेकंड ऑप्शन लोकल पैसेंजर गाड़ी, थर्ड ऑप्शन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फोर्थ ऑप्शन है लोकल पेट्रोलियम गैस। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पहला ऑप्शन गामा किरणें, सेकंड ऑप्शन एक्स किरणें, थर्ड ऑप्शन परावैंगनी किरणें और फोर्थ ऑप्शन है बीटा किरणें। जो ओजोन परत है वह ऑप्शन नंबर थर्ड परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, पहला ऑप्शन है उड़ता है, सेकंड ऑप्शन रात्रिचर है, थर्ड ऑप्शन सहकारी है, फोर्थ ऑप्शन बच्चे देता है। तो जो चमगादड़ के स्तनधारी होने का प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बच्चे देता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक है, सेकंड ऑप्शन समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं हैं, थर्ड ऑप्शन चीजें जो हमको घेरती हैं और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एबायोटिक एवं बायोटिक, यानी अजैविक और जैविक घटक है, पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन झारखंड, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है उत्तराखंड, यह चिपको आंदोलन से संबंधित है और चिपको आंदोलन जी से दो व्यक्ति संबंधित थे, सुंदर बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार के अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है इटायोलॉजी, सेकंड ऑप्शन न्यूरोलॉजी, थर्ड ऑप्शन एथोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है डेमोलॉजी। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इथोलॉजी, जीवों के व्यवहार का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है, इथोलॉजी ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल तैयार किया जाता है? पहला ऑप्शन यूट्रिक्यूलेरिया, सेकंड ऑप्शन जेट्रोफा, थर्ड ऑप्शन देवदार, फोर्थ ऑप्शन है यूकेलिप्टस। जो बायोडीजल की फसल है वह जेट्रोफा नामक पौधे से प्राप्त की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 21 मार्च, सेकंड ऑप्शन 16 सितंबर, थर्ड ऑप्शन 25 अप्रैल और फोर्थ ऑप्शन है 5 जून। जो ओजोन दिवस है विश्व ओजोन दिवस में मनाया जाता है 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वी कल्चर संबंधित है? पहला ऑप्शन है वन एवं वन्य उत्पाद, सेकंड ऑप्शन सिल्क, थर्ड ऑप्शन फूल, फोर्थ ऑप्शन उर्वरक। जो सिल्वी कल्चर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? लखीमपुर खीरी, सेकंड ऑप्शन चंदौली, थर्ड ऑप्शन लखनऊ, फोर्थ ऑप्शन वाराणसी। जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है वह चंदौली, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? पहला हाथी, दूसरा सांप, तीसरा शेर या बकरी। जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, तो निम्न में से कौन सा है भाई? शेर, ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड, शेर द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती होती है। पहला ऑप्शन केरल, दूसरा ऑप्शन बिहार, थर्ड ऑप्शन मेघालय, फोर्थ ऑप्शन तमिलनाडु। जो झूम खेती होती है वह होती है मेघालय, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? पहला ऑप्शन अमोनिया, सेकंड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन ऑक्सीजन। जो CO2 का ठोस रूप क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ यानी ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण को समर्पित है? UNFPA, सेकेंड ऑप्शन है UNDP, तीसरी है यूनेस्को, फोर्थ है IUCN। जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है IUCN, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होती है भाई? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये क्या जारी करती है? रेड डाटा बुक भी यही जारी करती है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? पहला सिल्वर नाइट्रेट, सेकंड ऑप्शन पोटेशियम ब्रोमाइड, थर्ड ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड, फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है सिल्वर आयोडाइड, इसका आंसर सही है। तो आज के मॉडल पेपर में हमारी वीडियो यदि पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।